गाइस वेलकम टू मोहम्मद रिजा प्रो गेमिंग। आज हम दोबारा खेल लगे हैं ब्लॉक मैन पर वन ब्लॉक पार्ट टू। लास्ट टाइम हमने चार डायमंड खरीदे कर ली थी पहले ही वीडियो में, तो आज हम कोशिश करेंगे कोई नई चीज़ ले या नया सामान ले। अगले फेज में भी जाएंगे। और कहाँ गया हमारा वन ब्लॉक? वन ब्लॉक ही है तो हम अगले फेज में भी गए थे। अब ये वाला हमें फेस ख़त्म करना है, ये वन ब्लॉक को माइन कर करके अपने एरिया को भी एक्सटेंड करेंगे साथ। ये आगे मैं अपने दोबारा से वन ब्लॉक में जहाँ से मैंने वीडियो एंड की थी वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये हमने लास्ट टाइम छोटा फॉर्म बनाया था, छोटे मोटे काम किए थे, पर आज हम अगले फेस पर जाएंगे अपना बूस्टर पिकेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ओ जस्ट आई, देखते इस चश्मे में क्या है। वीट स्ट्रिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। ऐसा करते हैं चश्मे उठा लेते पूरी जरा नीचे उतरते हैं, इसको लगाते हैं, इसको ऊपर चढ़ते हैं, तो इसको वापस रखते हैं। फिर चश्मे खोलते हैं अपना कीमती कीमती सामान, इसमें स्टॉल करते रहते थे। और ये हमारा खाने पीने का जुगाड़ का सामान है जो इस चेस्ट में होंगे। रोटन फ्लैश भी तो हम खा ही सकते हैं। और आलू है, बीटू है, काफ़ी सारी हैं, पॉप चॉक, रोटन फ्लैश, कितना सामान भरा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टील स्ट्रिंग हो चुके हैं, चौथा ले लें। और हो गया, इसमें से वापस सारा गोल डाल लेते हैं, गोल उठा लेते हैं, गोल को इधर लगा देते हैं और खाने पीने के सामान को इधर स्टोर कर लेते हैं। ये आलू भी उगाएंगे। तीन और चलते ये चेस्ट के अंदर चेस्ट डालेंगे। ओके अब हम माइनिंग बिल्डर स्टार्ट करते हैं। वन ब्लॉक तोड़ते अगले फेस में कैसे भी करके जाना हमने, और अपने एरिया को भी एक्सपेंड करना है। अपना ये रेड स्टोन है पहला नहीं शायद दूसरा हमारा। डायमंड अपना पांचवा डायमंड मिल गया है इसी वीडियो में, सेकंड वीडियो में। और इधर से चढ़ते हैं और क्या करना है इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर और इसको वापस तोड़ते हैं। डायमंड भी है ना, इसमें से डायमंड निकालो, पांच हो गए, इसके अंदर डालो। अब इसको तोड़ते हैं वन ब्लॉक। ओह एक और डायमंड, ओह बॉय, ओह नो, उड़े नीचे, उतरी उतरी, अबे हटो ना, उतरी क्या छोटे मटे कटे आओ, आराम से वन ब्लॉक माइंड भी नहीं करने देते इनको। चैनी इनको किसी चीज़ की। ये भी डायमंड रख लेते हैं, दो कॉल मिले इसको भी रख लेते हैं, आयरन की कोट को लेके इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। और दोबारा से अपनी वन ब्लॉक शुरू करते हैं। यहाँ से कॉल आया और बूस्टर पिकैक्स टूट चुकी, अब आयरन की पिकैक्स नहीं। और भी काफ़ी सारा सामान हमें चाहिए। उस पाउडर आ गई, मुझे पता था। क्योंकि मुझे पता था ये केव के नाम से ही पता लगता है कि मॉब आएंगे और हमें तंग करेंगे, परेशान करेंगे। तो गाइस अजान हो रही है, अजान का जवाब देते हैं।
बैक होते हैं। यह मेरा मास्टर रिकॉर्डर, एक सेकंड। मेरा मास्टर रिकॉर्डर कहाँ गया? ये इसको स्टॉप। तो गाइस अजान हो चुकी है, तो जल्दी से इसको माइंड करते हैं, जल्दी करते हैं। रेडस्टोन और क्या क्या है? गोल्ड सुपर चलता आ जाए, डायमंड ही मिलते हैं उसमें, उसकी खुशी होती है बस। और एक बोलता भी है कि मॉस ब्लॉक भी मिले आपसे आपसे लपश लजूली फिर स्टोन भी दिखते हैं मैंने देखे और ये टूट गया मेरा। ठीक है अगर आप जल्दी से अपना एक वॉल क्राफ्ट करते हैं, बस यही काम है हमारा। इसको इसमें डालो, इसको इसमें डालो, इसको उठाओ, इसको मतलब खोलो। ये कैसा ग्लिच था? शायद मुझे गलती लगी है, मैं ही शायद ऐसे रखा हूँ। अपने पास तो वॉल हो चुके हैं, ये वॉल अपने लिए कीमती है तो इसको इधर रख लेते हैं। बस एक वॉल, मैं आयरन नहीं वेस्ट करना चाहता, जल्दी से थोड़ी मेहनत करते हैं। और मैं जो काम करना चाह रहा था वो मैंने किया नहीं, जल्दी से इसको वापस प्लेस करते हैं। मेरा काम था लोग को इसको ऐसे करके करके एक और भी कैक्स बना लो। ठीक है, और भी कैक्स बनाते हैं और इसको ऐसे खोद के खोदना स्टार्ट करते हैं। रेस्टोन आ गया, सोने के साथ स्टोन पड़ेगा इसे रेस्टोन देखते हैं अगले फेज पे हम जाएंगे भी या नहीं। तो जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लैपिस लाज़ुली है, शायद डायमंड है, क्योंकि डायमंड और लैपिस लाज़ुली एक ही जैसे दिखते हैं मुझे। ये क्या मेरे पास कोई नहीं, ये फिर से आ गया रन। ओके, इसको इधर जेब में डालो और सारा सामान इकट्ठा करके वापस चढ़ के मोब ना कोई बस फोन है, यही अपनी खुशहाल है कि कोई मोब फोन हो गया ना भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अपनी। बिल्कुल तो होते हैं भाई, एक ही वुड के पीछे पड़ा हूँ, कोई नहीं चाहिए। आयरन पिकेट को मैं, ओ भाई डायमंड, मेरा सातवां डायमंड आ चुका है। गोल्ड भी है, ये स्टोन को भी माइन कर दे, ये फिर स्टोन आ गया, इसको भी पिकेट से माइन करके फिर पिकेट से करना है। अब सामान हो ही गया इसमें तो,
कुर्सी पे चढ़ के। हाँ डायमंड, ये इसको इधर रख दिया और वो रख देते। स्टोन मेरे पास कितने हो गए, चलो जी फिर तोड़ दिया। मेरे पास कैसे भी करके अगला फेस पे जाना, बिजली में बैड निकल जाए। आयरन इंगट, पम्पकिन सीड और हड्डियाँ, ये सब मैं मरे हुए चेस के निकल गया। ये कहाँ से खोल दिया मैंने, चढ़ते हैं इसको, इसके अंदर इसको, इसके अंदर इसको, इसके अंदर इसको, इसके अंदर इसको खोलते हैं। इसको मिलने पे इसको फिर इसको इसके अंदर हो गया सामान सॉर्ट। दोबारा से काम पे लोगो मिल गया, जल्दी से जल्दी से कोल्ड कोल्ड कभी मैं कोल्ड कभी आयरन भाई। इसमें वन ब्लॉक में कोई चीज बर्बाद नहीं करनी, आगे जाके पछतावा होता है कि ये हमने क्यों बर्बाद किया। ये क्या हो रहा है, मेरे यहाँ तो मैं नीचे एक ब्लॉक लगाना चाहिए, ये ग्रेवल कुछ नीचे गिर रहे हैं। तो लास्ट टाइम इसलिए तो वो दिया था वक्त, मैंने नीचे ब्लॉक नहीं लगाया तब भी क्यों। ग्रेवल अभी तक एक ही नहीं ना मिला, 12 मिल गया ऐसे ही, वही नहीं तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों लगाऊं नीचे ब्लॉक, अब जब से टेढ़ी उंगली काम करे तो सीधी उंगली करने की क्या जरूरत, समझ गए ना। ये रोटी ड्रेस तो उसमें जाएगा ना, ओह सॉरी आ गया, इसको वापस रखते हैं और ये इसमें जाएगा। डर्ट काफ़ी सारी हो गई है, इस रास्ते में होगी, ये भी बहुत कीमती है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा क्या होगा। पर एक स्लाइम रह गया था, ये भी स्लाइम बॉल भी बहुत काम का होता है। जल्दी से इधर से बैक करते हैं और स्लाइम बॉल आयरन इंगट को डाल के स्लाइम बॉल को इसमें ठोक देते हैं, अब तोड़ देते हैं। चलो जी पक 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 पक, ठीक है। ये फिर गंदी मकड़ी आ गई, इसलिए स्पाइडर आई भी मिल गई, अब हमें मिला स्ट्रिंग 3 है हमारे पास, बस एक स्ट्रिंग की ज़रूरत है और अपना इस वर्ल्ड का पहला बेड बन जाएगा। फिर तो मैं चैन की नींद से सोऊंगा, चैन की नींद। ये क्या किया, अबे स्पाइडर आई भी तो खाने वाली चीज है, तो इसको भी वहीं खा देते हैं। बस एक और स्पाइडर या फिर चेस्ट के अंदर दे दो स्ट्रिंग ताकि मैं इस वर्ल्ड का बेड बना दूं। जल्दी से वन ब्लॉक या फिर खत्म भी हो जाए, कितने ब्लॉक हैं आए रहने में समझा। या ही क्या हूँ, कोई और हो तो रहा हूँ मैं भाई, इन ब्लॉक्स की वजह तो दिखती ही नहीं है। कौन सा पिकैक्स भी टूट गया, चलो ये
यार पूरी रात काम करना पड़ता है इस वर्ल्ड में, तो सोने में भी क्या ही कहें। चल नीचे वाले खोलते हैं, इस एरिया को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे ऐसा ऐसा करके। तो ये दो ब्लॉक्स लेते हैं, ये मेरे पास एक आइडिया है। ये इतना प्यारा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तो पहले अपनी एक पिकेट बनाते हैं, क्योंकि ये जो वन ब्लॉक है इसके नीचे मुझे ब्लॉक लगाना चाहिए था, वो डायरेक्ट ठीक होगा क्योंकि तो उससे आराम से जगह में दिख जाएगा वन ब्लॉक और हम आराम से तोड़ पाएंगे। और कोई भी मॉब होगा वो ऐसे का ट्रैप बना रहे कि हम उसको ईजी नहीं मार पाए, वैसे का मैं सोच रहा हूँ। तो चिकन ने अंडा दे दिया, क्या नाम है, कोई प्लैंक मेरे पास है तो इसको पकड़ के मुझे इस तरह से करना है। अब जब भी आना जाना हो मैंने ऐसे करना और ऐसे निकलना, ये एनिमल बाइंड भी निकल पाएंगे और हमारा काम ये हो जाएगा। और बस एक चिकन का बच्चा ही निकल जाए, इससे अच्छा बेचारी अकेले ही है। मैं डर गया था, वही यार बस लेवल हो गए मेरे, इतना सुने की जरूरत तो नहीं है। अपना 108वां ही शायद, इसको इधर रखते हैं। मैं चेस्ट खोल के, और नहीं ये वाला, ये वाला खोल के ना 8वां डायमंड्स। एक वीडियो में इतना सामान आया, यहाँ नींद जा रहा है खुशी के मारे, क्या ही कहूँ। एक सेकेंड, मैंने वैसे सोचा था मैंने एक चीज़ ट्राई की है, ये आप लोग भी ट्राई करना कि इस तलवार से तोड़ने का मैं प्लेन तो ये भी मिल जाता है, जरा कोई नहीं चाहिए भी नहीं है प्लेन, मतलब चाहिए भी नहीं है तलवार से तोड़ने से एक ही भी प्लेन मिल जाता है। ऐसे मैंने गलत सोचा होगा, पता नहीं आप लोग ट्राई करना, क्या पता आप लोगों से निकल जाए। चलने वाले थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें फिल्म थोड़ी जल्दी मिल जाता है। अगले फेस में कब जाएंगे हम, डर्ट का ब्लॉक लगा था शायद से लगा होता है मॉस के ब्लॉक के साइड पे, शायद डर्ट का लगा होता है। ओ नहीं नहीं, वो बाहर उनकी पिकअप से तोड़ दिया गया, फिर से आ गया रेस्टोर। और अपने पास ना किसी मल्टीप्लेयर को भी बुलाना चाहिए था यहाँ, वो दिन भर वन ब्लॉक माइनिंग करते रहे और मैं इस एरिया को एक्सटेंड करता रहूँगा। सही कह रहा हूँ, ये प्लान भी ठीक है। सामान लेते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और ये क्यों खोलते, पहले इसमें खोलते हैं, इसको खोलते हैं, इसके अंदर डालते हैं, इसको खोलते हैं, इसके अंदर डालते हैं। हाँ ये भी कितने जाते हैं, एंड इसे क्या क्राफ्ट होता है, मैंने अच्छे तक इसको क्राफ्ट नहीं किया, ये क्राफ्ट हुआ तो ये ठीक है। और क्या क्या चीज़ें क्राफ्ट होती है, वैसे इन सब ना घर तो बन पाएगा तगड़ा वाला, सही कह रहा हूँ, तगड़ा घर तो बन पाएगा, सही कह रहा हूँ। और ये घर बनाने के लिए ब्लॉक ठीक है, मतलब वन ब्लॉक में रिसोर्सेज की कमी होती है, आप लोग तो समझ रहे हो ना, कि थोड़ी
क्या क्या हुआ आप लोगों को? इसको अंदर इसके अंदर बस एक स्ट्रिंग मिल जाए ना, इस वर्ल्ड का पहला बेड बन जाएगा मेरा। एक स्ट्रिंग बस, को में भी दे दो मुझे तो। चलो अगले फेस में कब जाऊंगा। गोल भी आ गया, हटो। कब जाएंगे अगले फेस में, कब जाएंगे अगले फेस में, कब जाएंगे अगले फेस में। मैं क्या करूँ, इसको वापस डालो। एक तो लगा नहीं हुआ ऑलरेडी। उमो ओ छी, पता था कोई फटा तो नहीं है ना, वो अंदर ही बैठा हुआ है। ओ भाई भाई, ये काम खराब करने आया मेरा। ओ भाई, इसने तो मेरी हवाएं टाइट करवा दी थी। क्रीपर आते ही मुझे नहीं था पता, यहाँ क्रीपर भी आए। ये वाटर तो गई है भाई, यार डर लग रहा है। तो लकी टाइप का आ गया वो तो ठीक था, मैं सही टाइम में भाग गया हूँ। वरना अगर वो फट चुका, हाय यार मेरा दिल भी फट चुका, समझ गई हो। दो स्टैक टाइट को उठा के इसमें डाल देते, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ ब्लॉक्स हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी यहाँ डाल लेंगे। इन सामान स्टोर तो मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आइस मिल है अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए, तो आइस को भी बनाने के लिए मुझे इस तरह ये बनाना पड़ेगा। अभी आइस अपने आप पिघल जाएगी। लगे हाथ बकेट का भी पानी में डाल देते हैं, क्या पता पिघल गया। इसको वापस डाल देते हैं, अब जब पिघलेगी तो ये अपने आप ही अनलिमिटेड वाटर से अपने पानी स्टार्ट करते हैं। अबे पिघल गई, बन भी गया शायद पानी के साथ। आई जल्दी पिघल सकती है, ओके सही हो गया। ये तो हर जगह मैं बनाऊंगा अनलिमिटेड वाटर सोर्स, और ये एरिया को थोड़ा नीचे करके एक्सटेंड करना है। ये तो मैं अगली वीडियो में करूँगा, आज के थोड़े मिनट अगली फेज में जाना है मैंने किसी भी तरीके से। अगली फेज पे जाने बस, यही है मेरा काम, यही है मेरा काम, यही है मेरा काम। अगली फेज जाएंगे, अब ध्यान से माइनिंग करना। क्रीपर कट बच्चा आ गया ना फिर, भाई पहले नहीं हवा टाइट हो गई, दोबारा नहीं। कितना सामान मिला था, अब इसको इसके अंदर, इसको इसके बाहर, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, इसको इसको इसके अंदर, ये सारा ब्लॉक इसमें ही होंगे। कितना प्यारा लग रहा है, नहीं करनी चाहिए थोड़ी ब्लॉक है, इसमें नहीं जाएंगे कोई ब्लॉक तो नहीं है। ये है ब्लॉक, इसमें ये सारा सामान भी डालने के लिए। हाँ तो क्या लग रहा है, पहले पता नहीं क्या गंद मचाया हुआ था। ठीक है, आइटम सॉर्ट करने का टाइम तो लगता है, पर प्यारा भी लगता है। तो आइटम है ना, इनको यही रखना। इतने फूल सारा ब्लॉक तो रहता है, कमाए ये आइटम होगा, वो ये ब्लॉक की लकड़ी की जगह होगी।
जल्दी से इसको रखते हैं। हाँ हो गया, अब दोबारा से थोड़ी माइनिंग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं अगले फेज में हम कब जाएंगे, काफ़ी टाइम से मैं तोड़ रहा हूँ वैसे भी, और काफ़ी टाइम भी हो गया मेरे को। अगले फेज में हम पता नहीं कब जाएंगे, तोड़ तोड़ के भाई बुढ़ा हो गया, नहीं मार जाएंगे हम। मेरे को नहीं लग रहा हम अगले फेज में जा रहे हैं या नहीं, कुछ अच्छी बात अगले फेज में जाते हैं हम। गोल्ड बर्बाद नहीं करना बस, बस अगर नेदर पोर्टल बन गया ना, मैं नेदर में ही अपना रहूँगा इधर ही, क्योंकि इधर तो स्काई वर्ल्ड और नेदर में तो मुझे होगा स्ट्रिंग। यस, खाना सब कुछ मिला, शायद मुझे भूख भी लगी है तो खा लेंगे इसको, इसको भी तोड़ दो और जल्दी से अपने कलेक्टर के ऊपर चढ़ के और चेस्ट खोलते हैं। ये वाला जे वाला, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर। यस फाइनली आज रात को तो हम सो सकते हैं, बस तीन मिले और बस दो भूल। अब बस मान लो, अबे नहीं भाई कहाँ गया, अबे कहाँ फेंक दिया है? अबे वो आइटम एक टाइम से वेस्ट हो गई। अबे ये क्या, हम अबे ये तो बड़ी अजीब बात थी, आइटम ही गायब हो गया, कोई फेंक कहाँ दिया मैंने, और कोई नहीं अब कोई क्यों नहीं यार, कोई नहीं अब अपना बेड बना लेते हैं और अपनी ये पहली रात बिताते हैं। शो फाइनली इस वर्ल्ड में हम अपना पहला दिन, मतलब पहली दफ़ा सो सके हैं, ब्रेड भी खा ही लेते हैं, मिलता है ठीक है, और दोनों के दोनों ही खा गया हूँ मैं, कोई नहीं पूरे तोड़ते हैं। अबे इसमें कहाँ क्या कर रहा है ये यार, ये ब्लॉग मैन के अलग ही काम है, मैं कहूँ कहाँ इधर गया वो, वहाँ कहाँ आ गया। टूट जानी टहर के लिए, अपने साथ मल्टीप्लेयर डालना चाहिए और इसको माइनक्राफ्ट में डालना चाहिए था, क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लेयर इसलिए खेला इसमें, क्योंकि इसमें मशहूरियाँ बहुत आती हैं, जिसकी वजह से मतलब वीडियो देखने वाले को मज़ा नहीं आएगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये बार 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 मशहूरी आएगी। इस तरह मुझे कभी खेलने का इसलिए वाईफाई ऑफ करना पड़ता अपना, ये अपना 5 बजे जस्ट है। तो वापस से सारा कोल इसमें को इसमें मैं एक और बनाने लगा था ना, तो बस दो तीन चाहिए कोबलस पर, दोबारा से गंदा सा पिकैक्स, चलो दिल से तोड़ के इसे माइनिंग करते हैं, माइनिंग करते रहते हैं, माइनिंग करते रहते हैं, माइनिंग करते रहते हैं, माइनिंग करते रहते हैं, 100 साल की माइनिंग, 100 साल की, ये क्या हो रहा है, 100 साल की माइनिंग माइनिंग माइनिंग। ओपे फिर से आ गया वो भाई, मेरा बंद का मजा आराम कर दिया फिर से, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ कहाँ कहाँ, उछल उछल निकल, फिर वन ब्लॉक का मजा आराम करने आ गया भैया, अब तो बुगी का बच्चा निकल गया। ये मुर्गी देती नकली है अग अंडे, मुझे ऐसा लगता है। 6 हो गए, इसको इसके अंदर डाल देते हैं अब, यार आराम से माइनिंग करो, मसला चढ़ जाता है मॉब को भी कि इतने आराम से माइनिंग,
ठीक है मैं आ जाता हूँ, जब उनको गुस्सा हो जाए, क्या पता उनका नुकसान हो जाए। इनका ये दिल चाह रहा है मेरे ख्याल से। आप तो कमेंट पे बताना क्या आप क्या सोचते हो। इतना गुस्सा आता है आपको। यहाँ से यहाँ यहाँ और बाकी कई दल और इसको इधर इसको इधर इसको ईश बाबे को इधर ईश बाबा ईश बाबे को इधर पीछे ईश बाबे की तोड़ बजाई शुरू। पीके उठाओ और पीके एक्स उठाओ पीके एक्स उठाओ वो तोड़ पीके उठाओ बंद करो आयो ना तोड़ तोड़ तो थोड़ा साइड में खड़े होने वरना वरना खापड़ आ गई ना खापड़ गंदी शक्ल वाला आके धूम धड़ाका कर देगा। धूम धड़ाका थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा साइड पे करते थोड़े साइड पे साइड पे करते थोड़े तो ठीक है काम हो जाएगा इससे। ये डेड ब्लॉक इसको इधर इधर इसको इधर इसको इधर इसको इधर अब बैक करते हैं इधर इसको खोलते हैं इधर पूरी इसको इधर हाँ दोबारा ही माइनिंग स्टार्ट करते हैं हम सब लोग। अरे यार अगले फेस में कब जाए तो ये जो क्रीपर है ना उस वक्त का दिल धड़क रहा है मेरा कि अगर क्रीपर फटता तो पता नहीं ये मैंने बनाया था चेस्ट भी उड़ जा सकती थी मेरी चेस्ट पास में मैंने लगाया ये भी उड़ सकती थी शायद से ये उड़ सकती थी ब्लॉक लगेगी बस ब्लॉक उड़ जाने से और क्रीपर बस क्या कर रहा अगले फेस में दफा भी हो जा होती जल ये कैसा बन गया भैया जल नहीं था रहा मजाक सट के जल्दी नहीं रहा वो भी कोई नहीं ना जैसे जब कोई पता नहीं पुलिस का होता था यहाँ पर हमें मारने के लिए ट्रैप के लिए बिना आग लगे आग कजों भी भेज दिया कि समझ गए ना मरे हम पर हम मरने में से तो है नहीं अभी तक एक दफा भी नहीं मरे इसमें एक दफा भी नहीं चलते हैं फिर से तोड़ते हैं भाई अगर ज़ॉम्बी आ रहा है क्रीपर आ रहा है स्केलेटन आ गया ना चेस्ट में सामान अच्छा गोल्डन एप्पल ब्रेड गन पाउडर और पेपर काफी अच्छा स्पॉन मिला इसको इधर साइड पर रखो रखो ये इधर मैं हड्डी भी तो डॉग को खिलाने वाली
चीज है ना, आप निकल रही हड्डी डर खुलने की चीज हो गई। गोल्डन एप्पल, इस वर्ल्ड का हमारा पहला गोल्डन एप्पल मिल चुका है। हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। पहले तो इस चेस्ट को रखो, इतने चेस्ट वही चेस्ट भी उतारा है। हमें इसमें चोरी करनी है इसके वापस के। ये बाकी आपको तीन चाहिए, अरे तीन दे दे, इतना टाइम खाते हैं तीन देते हो, तीन ही चाहिए क्या हो जाता है। हाँ ये अपना सही है, काम हो रहा है। ये ज़्यादा स्मेल तो दे रहे हैं, भी पिकैक्स टूटने वाली है और मेरा गला काम हो गया। फाइनली मेरा गला ठीक हो चुका है और अब मैं आराम से माइनिंग कर सकता हूँ। पता नहीं गले का ताला लग गया तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता चला। तोड़ते वन ब्लॉक, तोड़ते वन ब्लॉक, तोड़ते वन ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, तोड़ते 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 दूसरी रात है सोने की, बाकी रात जग जग के पागलों की तरह। और अगर मुर्गी दोबारा ना निकली, मैंने तुम्हारे अंडे का केक बना के कुछ बना के खा लेना है। अंडा में मुर्गी निकल, नहीं वो कहाँ कहाँ दौड़े लगा रही है। ये फ्रेश गेट तो मैं नहीं खोल लगा, इसने बाहर भाग देने जितना एक मेरे को दूर भागने का कैसे भागे, लेकिन इसने और फैमिली को कैद करना और बस काम हो गया। तो ब्रीड करा करा के इनको मार मार के खाना खा खा के मुझे कितना सुमोल हो चुके
सेल्स को और तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के। भाई ये सेल्स कब खत्म होगा? अबे 1000 ब्लॉक्स माइन कर भाई, मुझे पता ही नहीं लगा। भाई आज के इस वीडियो में हमने कमा लिया है 10 डायमंड। सही में 10 डायमंड कमा लिए हैं, वो भी 1 ब्लॉक में। और ओवरिंग भी काफ़ी सारी चीज़ें कमाई हैं, मुझे याद नहीं आ रहा सही से, बट फिर भी 1 ब्लॉक में जो चीज़ इतना मुश्किल लगता है, मुझे पता नहीं आसान क्यों लग रहा है भैया। सही में ये सामान भी मुझे अच्छा मिल रहा है इसलिए। अगर ऐसे ही सामान मुझे बहुत मुश्किल मिलता भाई, मैंने वर्ल्ड ही डिलीट कर देना था। सही कहता भाई, मैंने 1 ब्लॉक का इतना मज़ा हो रहा है। तो गाइस ठीक है, भी क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो ज़रूर अच्छी हो। आपको पता है कि मैं अभी नेक्स्ट फेज में नहीं गया, वो अगली वीडियो में जाऊँगा। कितना मैंने तोड़ा अब तक नेक्स्ट फेज में नहीं गया, और अगली वीडियो में हम इनको नहीं मान करेंगे भाई। अब ये एरिया को डेकोरेट करते, क्या है इतने ब्लॉक इकट्ठे हो गए हैं अब तक इस एरिया को, वैसे वैसे का वैसे ही छोड़ा हुआ है। अभी घर बनाना है, सब कुछ बनाना है, इनका अपना अलग जगह बनाना है। इनके लिए मैं सोच सोच के थक गया हूँ। और ये जो 1 ब्लॉक है इसको मैंने अलग रखना, ये ख़तरनाक चीज़ है। वैसे मैं ख़तरनाक चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें से हर एक मॉब स्पॉन हो रहा है तो चाहे तो इसमें आयरन गोलम, वार्डन या फिर विदर भी स्पॉन हो सकता है। बल्कि ब्लॉक मैन में तो वार्डन नहीं है, पर विदर मुझे लग रहा है, या फिर ब्लेस स्पॉन हो सकता है कि ये पूरी लकड़ी की जला दे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले तो ये स्टोन का कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑब्सिडियन का कर देंगे, ये बस इसको, बाकी जो एरिया सारी ये वही रहेगी। मैं कोशिश करूँ ये पूरी एरिया ना ग्रास की तरह सही हो जाए, क्योंकि मुझे ग्रास ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये वुड लगे हों ये सब, ये नहीं सही लगते। मैं भी ग्रास ब्लॉक निकाल कर उधर लगाने लगा था उधर, पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं अगली दफ़ा बनाऊँगा शीप का इनके अलग फॉर्म, तब मैं इनके लिए रखूँगा। वो समझ गए हो ना, ग्रास ब्लॉक रख के शीप खा खा के अपना वो लगाए रहा है और मैं काट काट के अपना कमाई करता रहा। बस एक चीज़ नहीं आया, ना ही काओ के अपने दोस्त आए हैं और ना ही शीप के आए हैं, बस पिगी पिग और मुर्गियाँ जो अपना अंडा दे जा रही है। और यह इकट्ठे पता नहीं क्यों हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना। 1 ब्लॉक की पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा, मतलब लाइक एम तो मैंने नहीं रखा, आप अपने दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं खुद से ही ये क्या नाम है 1 ब्लॉक का पार्ट 3 डालूँगा। तो फिर अगली वीडियो में मैं मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।